बाप अति बेटे तेरू बाते नाम ते आमीन। सुधारे त्योहार वेले जीवे प्रभु ने परिवाया मुद्दे नाम चे गो की बेली चढ़ा भी बत्ती नाल अपने दिलारो शुद्ध करो हे प्यारे प्रभु दे नाले पे पाके गजरी विच ले आवे स्वर्ग देव जी दादी उड़ी आई होवे आमीन। धरती दे नेगलवाने शांति सदा तो सदा तक आमीन। हे साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस आसमान ते पूरी होंदी है जमीन ते भी होवे साडी रोज दी रोटी आज सानू दे साडी कसूर सानू माफ कर जिस राशि अपने कसूर वरन माफ कर दे हम सानू जमाज सुजना पा सौ बरियाई तुम चाम क्यों जो राज कुदरत ते जाल हमेशा तुहाडा ही है पवित्र पेदान मना शक्ति प्रदान कर ए सारे संसार दे मालिक सदा तीक सारी थालियां बजा के थोड़ा जोर साल धन बन दाल हाथ उड़ा के थाली बजा के प्रभु दुरी आए दुरी यीशु हाँ।
जगड़े हैं नजर को जिसने दिलाया हालेलुया प्रभु खुदा उन्हें सारे ने तले जड़िया सू बचा है अधे जनालिया से धन्यवाद नहीं दे सके सारी नहीं गया ते वसला नाल भरपूर गलीसिया हूँ असी थोड़ी बड़ी आए तो महिमा कर देगा तुम सारे सृष्टि का मालिक है बाप दे बेटे दे रूपा खुदा दुदा सदा तीक मेरे प्रभु तुसी सचमुच साड़ी शरीर मुड़ जीवंदा करन वाला है अते साड़ी रूह नू नजात बख्शन वाला अते साड़े जीवन हमेशा संभालन वाला है तुहानू वडियाए धन्यवाद ते बंदगी चढ़ाउणा साड़ा फर्ज गए ये सारे दे मालिक सदा तीक जीवन दासो मा प्रभु खुदा दी बड़ाई भाग्य तुसी खुदा बंदा भाग्य पूरी कुदरत वाला भाग्य अकाल अनंत हो शांति सारे नाल होवे हे पाक पूरे कुदरत वाला हाल प्रभु खुदा जो नेगलवांदे जिंदे उते कुछ रहिंदा है अपनी कुदरते मुताबिक साड़े उते निगाह कर अते सानू बरकत दे साड़े उते रहम कर बाप दे बेटे दे रूपा खुदा दुदा सदा तीक आमीन सारे शांति नाल बैठो खुदा दा वचन परमेश्वर दा वचन बड़ा ध्यान नाल सुनना है दुआ करो यीशु आज मैनू आशीष दो साड़िया कमजोरियां दूर कर साड़िया परेशानियां दूर कर हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो सारे हालेलुया हालेलुया पाठ पहला कुछ तक ग्रंथ उस दा भाई बाप 21 तो ताई ए तक गुरु जी मेनू बरकत दियो किसी परदेसी ते तुसी अत्याचार ना करना क्योंकि एक समय तुसी आप भी मिस्र विच परदेसी साओ तुसी किसी विधवा जा अनाथ नू तंग ना करना जेकर तुसी करो अते ओ मेरे अग्गे दुहाई देन ता मैं ओना दी सुनांगा अते मेरा गुस्सा तुहाडे उत्ते पड़केगा ता मैं तुहानू तलवार नाल मरवा देवांगा अते तुहाडियां पत्नियां विधवा हो जानगियां अते बच्चे अनाथ
तू अपने किसी गवांडी नाल जा मेरे लोकां विच्चों ही कोई गरीब होवे अते ओ तेरे कोलो उदार मंगे तां तू उस नाल कर्जा देन वालियां वांग वर्ताव ना करना अते उस कोलों व्याज ना लै। जेकर तू अपने गवांडी दा कोई कपड़ा गहने रखे तां तू ओ उसनों सूरज डुबन तो पहला मोड़ दे। हो सकता है कि उस कोल रात नूं उत्थे लैण लई ओ ही कपड़ा होवे अते जेकर ओ तेरे कोल रहेगा अते ओ की उत्ते लवेगा इसलिए उस दे पुकारन ते मैं सुनांगा क्योंकि मैं तरस खान वाला परमेश्वर हाँ। ऐ प्रभु दी बानी है। खुदा दा शुक्र होवे रब सचे मुझे उस दी सुनदा है। सारे मिलके ताली बजा के दूसरा थसलोनिकिया दे नाम संत पौलुस दा पहला पत्र उसका एक बाब पांच तो दस है तक गुरु जी मैं बरकत दियो। क्योंकि जदो असी तुहाडे कोल शुभ समाचार लैके आए सां तां ये केवल शब्द ही नहीं सी सगो शक्ति अते पवित्र आत्मा नाल पूरन भरोसे समेत सी। फिर तुसी ये भी जानते हो कि असी तुहाडे विच किस तरह रहे सां ये सब तुहाडे पले लई ही सी पर तुसी भी बदले विच साडे अते प्रभु दे पूरे अनुसारी बने क्योंकि बेशक तुहाडे ते संदेश कारण दुख भी आए पर फिर भी तुसी इस दा स्वागत पवित्र आत्मा द्वारा मिले पूरे आनंद द्वारा कीता। इस तरह तुसी मकदूनिया दे सब विश्वासियां ले नमूना बन गए हो। ए तुसी ही सो जिन्हां द्वारा ना केवल मकदूनिया विच प्रभु दा संदेश पहुंचिया सगो तुहाडे परमेश्वर उतले विश्वास दियां तूमा हर थां पै गईयां हन। इस संबंध विच साडे लई कुछ होर कहन दी लोड़ नहीं है। लोग आप ही साडे तुहाडे विच आन बारे अते जो कुछ उत्थे वापरिया है बारे टिंडोरा पिट रहे हैं। किस तरह तुसी अपने देवतियां वल्लों मूँह मोड़ के परमेश्वर दे वल मुड़े अते उस सच्चे अते जिंदे परमेश्वर दे सेवादार बने। फिर ए भी कि किस तरह तुसी हुन उस दे आसमान तो वापिस आन दी उड़ीक कर रहे हो अर्थात यीशु दी जिसनों उसने मुर्दियां विच्चों जिंदा कीता सी अते जो साडा जरूरी आन वाली दैवी सजा तो बचा है। ए प्रभु दी बानी है। खुदा दा शुक्र होवे तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु सन रब नाल जोड़दा है तेरा मसीही तोड़ता है। हालेलुया आमीन।
आवसी बड़े ध्यान नाल पाक अंजील दा सर्वन करिए। प्रभु दी शांति तुहाडे नाल होवे। अती तुहाडी रूह नाल वी होवे। संधि योग नाम दे अनुसार साडे प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र अंजील साडे प्रभु यीशु मसीह वडियाई होवे। इस दे मगरों यहूदी लोहां दे इक धार्मिक त्योहार सी। प्रभु यीशु उस दे लई जरूसलम शहर नूं गए। जरूसलम शहर विच पेड़ामाला दरवाजे दे लगे एक बहुत बड़ा तलाव है। उस तलाव नूं इब्रानी बोली विच बेसदा कहिंदे सन। उहदे चारे पासे चार डूटियां वी सन। इन्हां डूटियां दे विच बहुत सारे लोग लम्मे पे रेंदे सन। अन्ने अदरिंगी अधि वो तलाव दे पानी दे हिलाउण दी उड़ीक विच रेंदे सन। क्योंकि समा समा प्रभु दा एक सुरग दूत तलाव विच उतर के पानी नू हिलाउंदा सी। पानी हिलाउण दा समा जो कोई रोगी भी पगले पानी विच उतर जांदा सी उसनू पावे कोई भी बीमारी क्यों ना होवे वो ठीक हो जांदा सी। उते एक आदमी सी जो 38 साल तो बीमार सी। यीशु ने उसनू उते लम्मे पै देखिया अदे जानते हुए कि वो बहुत चेर तो बीमार है। उसनू किया कि तू चंगे होना चाहती हो। बीमार आदमी ने उत्तर दिता श्रीमान जी मेरे कोल कोई भी नहीं है। जो पानी दे हिलाउण दिया होइया हुई मैनू पानी विच उतारे। जदों मैं जाके उतरन दी कोशिश करता है ता कोई दूजा मेरे तो पहले ही पानी विच उतर जाता है। यीशु ने उत्तर दिता उठ अपना बिस्तर चुक अते चल। वो आदमी एकदम चंगे हो गया अते अपना बिस्तर चुके चलन फिरन लगा। साडी प्रभु यीशु मसीह दी वडियाई होवे। सारे शांति नाल बैठी है। हालेलुया हालेलुया। अज दा वचन यीशु साडे नाल गल कर रहे। यीशु साडे नाल गल कर रहे। हालेलुया हालेलुया। जदों वचन पढ़न दा समां मैनूं उस आदमी दी याद आ गई जिस आदमी नूं मैं 2-3 दिन पहले दारीवाल जदों मैं जा रहा सी सिस्टर जी दा जो रिसेप्शन वास्ते जा रहा सी वो एक आदमी ने मैं दारीवाल चर्च विच मिलिया। क्योंकि असी इतों गया है विशेषाज जी जलन लुधियाने तो आ गया। मैं विशेषाज जी नूं दसिया सी 3:15 बजे दारीवाल पहुँचूंगा तुसी भी उत्ते पहुँच लो असी उत्तों फिर अगे कट्टे चलेंगा। हालेलुया हालेलुया। जदों मैं पहुंचिया मैं देखिया कई लोग उत्थे सी पर एक परिवार से बड़ा विश्वास नाल वो सवेर ते उम उत्थे उड़ीक विच सी। उन्हें पता लगा असी उधर दी नंगड़ा है। हालेलुया हालेलुया। उस भेण ने मैनू आख्या मैं सवेर तो अपने पति नू लेके इत्थे असी नाश्ता खा के आ गया दोपहर दी रोटी भी नहीं खाया क्योंकि असी सुनिया तुसी इधर दी आउणा है। सो पर उन्हें इसलिए रोटी नहीं खाई। उन्हें नहीं पता से असी कदों उधर दी नंगना है। जदों गए तो अंदर गया परिवार आ गया मैं उस परिवार नू मिलिया है। उस भराव से जिन्हों कैंसर सी कैंसर दी बीमारी दे करके बड़ी दुखी सी पर जदों उस भराव नू मैं मिलिया उन्होंने सारिया गल्लां भी एक पेपर ते लिख के रखिया सी क्योंकि शायद मैनू नहीं मिलेगा कम कट्टे कट्टे मेरी बेनती सी फादर जी नू लिख के दे सकदा उहदा विश्वास सी। हालेलुया हालेलुया। मैं चिट्ठी हुण वी मेरे कोल है। मैं उस परिवार नू मिलिया सी प्रार्थना कीता अधे घंटा सी उत्ते रुकिया भी सी। प्रार्थना दे बाद असी वापस सीधे दीनानगर गया। दीनानगर तो असी गुरदासपुर फिर दूसरा दिन सी साडा पेंशन सी। पेंशन दे बाद वापस आउण दा समां उस परिवार दा फोन आ गया। हालेलुया हालेलुया। फोन ई सी देखो प्रभु ने किस तरह चूरे परमेश्वर दी उड़ीक विच रहण वाली इंसान खुदा दी आत्मा उस प्राव दे उत्ते कम कीता है।
उसी वक्त उस दिन रात नूं उन्हां दी पेशाब वाली जगह विच सी कैंसर सी, इसलिए पेशाब करन वास्ते उन्हें पाइप भी लगाए सी। दूसरा दिन पाइप भी निकाल दिया, उहदी सारी परेशानी भी दूर हो गया। अते डॉक्टर ने दसिया तेन कोई दवाई दा लोड़ नहीं। हालेलुया 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 जाके हालेलुया हालेलुया। उस परिवार ने मेनू आख्या मैं की दवाई खाना है। मैं कहंदा मेनू नहीं पता है, तेनू कौन चंगा कीता? कोई पास्टर ने नहीं है, कोई फादर ने नहीं है, कोई सिस्टर ने नहीं है। जो प्रभु यीशु साढ़े लिए अपनी जान सूली ते कुर्बान दे दितिया, इस प्रभु यीशु ने की आख्या ये तके ते पार गेटे दिब्बे गोई लगो मेरे को लाओ मैं तुहानू। उची बोलो मैं तुहानू। इसलिए तुसी भी आज किदे चरणा में आ गया, साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे चरणा में आ गया। हालेलुया हालेलुया। सो मैं उस परिवार नु आके मेनू नहीं पता है, तुसी इस खुदा नु पूछ लो जिस परमेश्वर ने तेनु छुया है। सो कल आज सवेरे मेनू फोन आ गया, उन्हें मेनू आके असी फिर डॉक्टर दे कोल जाके चेकअप किया, साड़ी बीमारी दूर हो गया। मैं कहंदा खुदा नु आके तू देखो 6 साल तो डॉक्टर दे मगर सी, बीमारी बढ़ गई। जदों तुसी खुदा दे मगर लग्या है खुदा ने छूया, इसलिए डॉक्टर दे कोल नहीं। ठीक है तेरा चेकअप ठीक है, पर जिनी चेर तेनू प्रभु की आवाज ना आवे तुसी यही नहीं करना, दुआई नहीं छोड़ना। मैं दसिया हालेलुया हालेलुया क्योंकि वचन में लिखा अज का वचन की है, यीशु मसीह ने उस अदरिंगी नु जड़ा उत्ते 38 साल तो लम्मे पिया सी, उस आदमी नु यीशु ने आख्या तू बिस्तरा चुको जाओ। नहीं है हालेलुया हालेलुया। यीशु ने आख्या जिते तू लम्मे पै उस परश नु चढ़ दो, यीशु ने आख्या। कोई इंसान ने नहीं आख्या, यीशु ने आख्या जिस बिस्तरे ते तू पया है उनु चक लो। मतलब की है जो भी चढ़ने के लिए खुदा ने तेनु हुक्म दिता है। हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए असी उस वचन द्वारा पढ़ना है। असी वचन सुनिया संयोग नाम दी अंजील, जिन्हें भी पैणा भरावा इत्थे आ चुके हाँ इस वचन उत्ते विश्वास रखो। यीशु तुहानू बोलना है बेटा तू उड़ते जा, तू लाठी चढ़ के तुर, तू बीमारी चढ़ दो, और कोई नहीं। कौन तुहानू बोलना है? बोलो सारे किने बोलना है? यीशु मसीह ने बोलना। हालेलुया हालेलुया। उस यीशु ते विश्वास करो, दोवे हाथ मिला के थोड़े सामने खड़ा है, थानू अपनी जिप्पी विच स्वीकार करन वास्ते खड़ा है। इस परमेश्वर दा सुपना तुसी रोज देखना है। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो संयोग नाम दी अंजील, जिन्हां दे कोल बाइबल है सारे बाइबल खोल दो, उहदी 5 बाद दी पगले ए तो असीं प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे। हालेलुया हालेलुया। दूजा ये तो पढ़ो, यरूशलम विच पेड़ा वाले दरवाजे दे लागे एक तलाह है, उस तलाह नू इब्रानी बोली विच बैतसैदा कहंदे हन। उस दे चारे पासे 4 ड्योड़ियां सन, इन्हां ड्योड़ियां विच बहुत सारे रोगी लम्मे पै रहंदे सन। हालेलुया हालेलुया। वचन की है इन्हां दे आले दुआले कई तरां दी मरीज की करदा है? बोलो सारे की करता है? लम्मे पिया सी, इहदा मतलब पता कि जड़ा बैठन वाला भी नहीं सी, बड़ा बड़ा सीरियस लोग है, जड़ा चल फिर नहीं सकता है, जो अपने आप नू उड़ के तुरने के लिए कोई हिम्मत नहीं सी। वचन कहते इन्हां दे आले दुआले कई तरह दी मरीज लम्मे पिया सी। अगे इहदे बारे सोच लो हुण की करना सी, इहदा मतलब पता कि ये बाइबल ऐवें पढ़ के ना छोड़ो, इहदा मतलब यही है तुसी परमेश्वर दे आले दुआले लम्मे पैना है। हालेलुया हालेलुया। खुदा दे नाल जुड़े रहना है, समझ लगी? परमेश्वर नाल की करना है? जुड़े रहना। तुसी खुदा दे नाल वायदा कीता नो, जदों बपतिस्मा लैण दा समा तुसी खुदा दे नाल कसंग आया, मैं तुहानु आखिया कि तुसी हर एतवार इस जगह विच आने के लिए तैयार हो, तुसी की दसिया? हाँ जी फादर जी दसिया नहीं, प्रभु दे नाल तुसी वायदा कीता मेरे नाल नहीं है। पर जदों तुहाडा वायदा टूटन दा समा साढ़े घर विच परेशानी हुंदी है, उहदे बारे मैं तुहानू एक गल दसूंगा।
सो बाद विच मैं सोचा तुहानू सुनाउणा, पर मैं तुहानू एक गल दसना है। जदों साऊल विच प्रभु की आत्मा सी, प्रभु का वचन असी पढ़ेगा, हालेलुया हालेलुया, बड़ी उच्ची बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी वड़ियाई होवे, यीशु तेरी वड़ियाई होवे, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। पगले सामूल, जिन्हां दे कोल बाइबल मड़ा खोल दो, पगले सामूल उदी 16 बाव दी 14 एतो मैं कहंदा तुसी सारे कर जाके पढ़ना जरूरी है। पगले सामूल उदी 16 बाव दी 14 एतो इतों पता लगता है क्यों साढ़े घर विच परेशानी है। वचन पढ़ो सिस्टर जी। तद साऊल नू प्रभु दे आत्मा ने छड़ दिता। हाँ, परमेश्वर ने की किया है, साऊल दा आत्मा विचों कौन निकल गया? परमेश्वर दी आत्मा निकल गया। हालेलुया हालेलुया। साऊल नू प्रभु नू, प्रभु ने साऊल विच अपनी आत्मा भेजिया सी। इसे तरह बपतिस्मा दा समा विच भी तुहाडे विच खुदा दी आत्मा आया सी। जदों असी गलत राह उत्ते तुरना शुरू करदा है, जो ताली तो असी कहंदा उस ताली नू मोरी बनाउणा शुरू करदा है, समझ लगी मेरी गल? जिस प्लेट तो असी कह रहे नो, उस प्लेट नू असी मोरी बनाउणा शुरू करदा है, साढ़े विचों परमेश्वर की आत्मा निकल जाता। अगे की लिखा सिस्टर जी? अते उस दी था प्रभु ने एक दुष्ट आत्मा उस उत्ते कर दिता। हाँ, की हो गया है? जो इंसान विचों परमेश्वर का आत्मा निकल गया, उदे विच की आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। अगे पढ़ो ध्यान नाल, वो दुष्ट आत्मा उस इंसान नू तंग करना शुरू हो गया। साऊल नू दुष्ट आत्मा तंग करना शुरू हो गई, इसलिए आपा कहिंदे फारजी मैनू केड़ आ रहा है, समझ लगी? मैनू सप दा दर्शन हो रहे, मैनू कोर कोई शैतान दा दर्शन हो रहे, तुहानू परमेश्वर दा आत्मा ने छड़ दिता, समझ लगी मेरी गल? जिस इंसान नू खुदा दा आत्मा जिस इंसान विचों निकल गया, उहदे विच कौन आ गया है? दोबारा वचन पढ़ो। उस दी था प्रभु ने एक दुष्ट आत्मा उस उत्ते कल दिता, उदे करके किया गया जो उसनु सतावना शुरू किया, केड़ना शुरू किया, सतावना शुरू किया, परमेश्वर दी आत्मा निकल गई। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अपा सारे सोचना है, जदों असी बपतिस्मा दे बाद ईमानदारी विच जा एक वारी यीशु मसीह पवन में आना शुरू हो गया, फिर तुसी ईमानदारी नाल नहीं रहेगा, यही चीज आएगा। हस्बैंड एंड वाइफ शादी करने के बाद एक दूसरे ने गलत मैसेज भेजना शुरू करता है, इनके की कहता है? ईमानदारी खत्म होगी। शादी का समा विच तुसी की कहता है? चर्च विच जिन्हां दी शादी है उत्ते एक गल दसता है, दुख का समा विच भी खुशी का समा विच भी असी जुड़े रहेगा, एक दूसरे नाल ईमानदार विच रहेगा। उही बंदा जनानी नू और कोई जनानी नू गलत मैसेज भेजना शुरू करता है। बस मैं कहंदा तुहाड़े विचों खुदा दी आत्मा निकल गया, परमेश्वर दी आत्मा साढ़े विचों। जो प्राव भैन जिन्होंने बपतिस्मा दा समा वायदा किया मैं शराब नहीं पीऊँगा, नशा नहीं करूँगा, फिर नशा करना शुरू करता है, शराब पीना शुरू करता है, वजन की कहता है? परमेश्वर की आत्मा तुहाड़े विचों निकल गया, फिर की आ गया? दुष्ट आत्मा आ गया। वो की करेगा? वो उस इंसान को सतावना शुरू कर देगा, उन्हें नींद नहीं आएगी। फिर तुसी कहते ना मैनू नींद नहीं आते, बस गल इतने प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। इसलिए खुदा दे नाल ईमानदारी विच रहना बहुत जरूरी है। पैसा दे मगर नहीं जाना, आज पैसा आ गया कल निकल जाना है, ये सारे दुनिया भी चीज आंदे मगर ना तुरो। प्रभु ने किया किया तू वायदा थोड़ेगा, तेरे विचों प्रभु दी आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। असी हुण उस गल नू बाद विच देखूंगा, हुण असी वापस आ रहे योहन्ना दी अंजील उहदी 5 बाद दी 4 तो असी पढ़दे आ। वचन पढ़ो सिस्टर जी, क्योंकि समा दे समा प्रभु का
एक स्वर्ग दूत तालाब विच उतर के पानी नु हिलाउंदा सी। हालेलुया हालेलुया। की करदा सी? कदी कदी स्वर्ग दूत तालाब दे ऊपर ऊपरो नीचे आके पानी विच उतरदा है अते पानी हिलाउंदा सी। हालेलुया हालेलुया। वचन की कहंदा है? जड़ा स्वर्ग दूत पानी विच उतरन दा समा पानी हिलाउन दा समा जड़ा पगले उतर जांदा वो ठीक हो जांदा सी। हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुनना वचन। मैं भी कदी कदी कहंदा जड़ा पगले गेट नंगे अंदर आउंदे वो ठीक हो जांदे। पता है क्यों? तुसी आप देख लो आग दे आले दुआले जिन्नी नेड़े रहन वाले नु शेक ज्यादा लगता है। एक राउंड हो गया दूसरा राउंड नु इन्नी शेक नहीं हुंदा। आप दूर दूर जा रहे जड़ा पगले यीशु मसीह पौन में चाउन वाले नु स्पेशल ब्लेसिंग मिलता है। वचन कहंदा है स्वर्ग तो दूध आके जड़ा पानी गिलाउन दा समा जड़ा पगले उतर जांदा वो ठीक हो जांदा सी। हालेलुया हालेलुया। पर इस गरीब बंदे ने यीशु ने देखिया अते यीशु ने की आखिया? तू ठीक नहीं होना चाहते हैं। उस बीमार बंदे ने की आखिया? प्रभु जी मैं ठीक होना, पर मैं कोई उतारने के लिए नहीं है। ये पॉइंट तुसी दिमाग विच रखना। मैं कोई पानी विच उतारने के लिए नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने की आखिया? इदा मतलब यही है करवाली ने बच्चे ने इस बंदे ने 38 साल पगले बलसव तलाव दे उसते चढ़ के चल गया सी। तुसी भी सोचते हो तुहाडे घर वाले तुहानू चढ़ दिता, बच्चा चढ़ दिता, घरवाली चढ़ दिता, जा नू चढ़ दिता, सारे चढ़ दिता। मैं कहंदा तुसी पूरा भरोसे यीशु तेरे को। हालेलुया हालेलुया। उस प्रावी ने आखिया मैनु सारे चढ़ दिता है, पानी विच उतरने के लिए उतारने के लिए मैनु कोई नहीं है। मैं आप उतारने उतरने के लिए कोशिश करता है पर मेरे तो हुंदा नहीं, मेरे तो पहले कोई ना कोई उतर जाता है। यीशु ने किया क्या? ध्यान नाल सुनो, यीशु ने किया क्या? जेकर तेनू कोई नहीं आज मैं तेनू ठीक करना। इसका मतलब पता कि यीशु मसीह बेसहारा दा सहारा है। इसका मतलब यही है पूरी तरह प्रभु यीशु ते भरोसा रखना। डॉक्टर दे उते नहीं, पैसा दे उते नहीं, नौकरी उते नहीं। लो नौकरी दा मगर परमेश्वर ने छोड़ के जा रहे। भजन गंदा है तू नौकरी दा मगर जान वाले एक दिन तेरी एक्सीडेंट हो गया, तेरी हड्डियां हुड्डियां टूट गई, तेरी नौकरी कितने चल गई, तेरा बच्चा कितने चल गया। इसलिए वचन कहता तू मेनू छोड़ के कितने भी नहीं जाना। यीशु ने आखिया जेकर तुहानू कोई नहीं है अज मैं तेनू चुना है। हालेलुया हालेलुया। आज तुसी भी यीशु मसीह पौन विच बैठ के की बोलना? हे प्रभु यीशु मेनु कोई नहीं है, मैं भी बेसहारा है, उस प्राव दी तरह है, पानी विच उतारने के लिए मेनु कोई नहीं है, खाना बना के देन वाला मेनु कोई नहीं है, यीशु मसीह पौन विच लेके आने वास्ते मेनु कोई नहीं है, मैं आज बेसहारा। यीशु ने किया क्या? जेकर तुहानु कोई नहीं आज मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पूरी तरह प्रभु ते भरोसा रखो बच्चियो, यीशु ते भरोसा रख के तुरना शुरू कर। प्रार्थना ना छोड़ो, बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, संडे पाक मास ना छोड़ो, पूरा विश्वास यीशु तेरे के तुरना शुरू कर। यीशु ने आज ही तुहानु चुना है। सारे खड़े जाइए। आओ हुण असीं संगत नूं ते साडे विच हर इक नूं खुदा बाप अते बेटे अते रूह पाक नूं समर्पण करिए। ऐ साडे प्रभु खुदा असीं अपने आप नूं तुहाडे अगे समर्पण करदे हां। हे पूरी कुदरत वाले खुदा असीं हलीमी नाल तुहाडे अगे प्रार्थना करदे हां। अपनी कृपा दान नाल सानूं परदे, तुहाडी बख्शिशां साडे हत्थां अगे वरसा दे, तुहाडे रहम नाल चुणे होए सारे जिड़दे गुणां दी माफी अते सजात रीमाई थोड़ी कृपा दे आशीषां दे कारण बने। बाप दे बेटे दे रूपा खुदा दुदा सदा टीका आमीन। सारियां दे प्रभु खुदा अपने दया सागर दे विच साडे सारे गुणां दी मेल तो दी। प्रभु खुदा मेहरबानी ते कृपा नाल साडे गुणां दी मेल पूछ दे वे।
तन मन दे धन सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा सारे बैठो तन मन दे धन सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा जमीरा सब है तेरा करो कबूल चढ़ावा मेरा बेटे तेरे उपाध्यवड़ी आयोवे खुदादिमान तन वार्य मर्यादे ने हासन यूसुफ दे याद भाकल थारते होवे जी मुटो सी हमेशा ते करोवे आमीन ए खुदा बेटे दे शकीतो अति इकलौते बेटे दे प्यारो सारे संसार विच शांति होण लई प्रार्थना करो सारी संगत आमीन आमीन बकार जित हासिल की तन एकलो अति तारे शारदी याद गिरी नाल साड़ी पिदासन तोमर सुल्दे याद भी इस पवित्रा अल्थारते होवे पूरी कुदरत वाले खुदा सारे नाल है सारे राजा सारे नाल है सारे खुदा सारे नाल है याकूब दे खुदा सारे मददगार भी है छोटे अते बड़े तुहाडे अति फगाल जलाले जीवन दरागे तुसी महिमा दे नाल मुड़ जिंदा करन दी उम्मीद विच सारी मोयो ए सदी नींद सोरी हन उसे पवित्र हजूरी विच असि अपने दिलां नु कह देईए तो बारो जाते दुआवां दे राही प्रभु यीशु मसीह अनिल दे बाप नु अदिनु बाग नु वी असि प्रसन्न करिए सारी कड़े जाइए असि उने रसूलां दा कलमा पढ़न मासे जाने जो रसूल ने चेलिया ने सानू सिखाए होया जो प्रार्थना है ईमानदारी नाल एक एक शब्द सोच के ही पढ़ना मैं खुदा उते मार्ग दे हम जिड़ा बापुरी कुदरत वाला आसमान दे जमीन दा पैदा करन वाला है मैं यीशु मसीह उते मार्ग दे हम जिड़ा उसे अकलौता बेटा साड़े सावन है और उपाधि कुदरत नाल कुवारी मरियम दे गर्भ विच पिया अति उस जमया उसने पैंतों पिलातों से आदेश तो उठाया शरीर से चुराया गया मार गया तो तपिया गया बच्चे फिर चाव दिया तीसरे दिहाड़े मुर्दे विच जी उठाया आसमान के चढ़ गया खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सच्चे अच्छा बैठा जितो जो दिया ने मन ने साफ कर ले फिर आवेगा मैं एक पार दिया जो पाक उते एक पार कर दिल कलीसिया पाक लोहां दी शराकत गुनाह दी माफी जिस बंदा जी उठना हमेशा जिंदी उते आमीन सारी आंधी खुदावंद उस दी गुण गाउण दे लई तुहानू शक्ति प्रदान करे असी प्रार्थना करिए शांति सारे नाल होवे कलीसिया मदे परम अधिकारियां अति सारे आगुआ
ਪ੍ਰੋਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਜਾਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ प्रभु मेनु आशीर्वाद दे मेरे प्रात बेण इस पवित्र गुरबानी मेरे गत्ता मुगल होने के लिए तुसी मेरे लिए दुआ करो सारे प्रभु खुदा अपनी पाक मर्जी पूरी करने दे लई सानु शक्ति दे एक रुपानी कबूल करे तुहाडे अते साडे लई अते सारे संसार दे लई जो कुरबानी तुसी चढ़ाउंदे हो उस तो प्रभु प्रसन्न होवे आमीन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਵਤ ਪੈਨੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ ਆਵਸੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਅਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਦਾ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਆਵਸਿਅਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਬਾਦ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੂਬਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ ਅੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਐ ਪੂਜਨੀਯੋਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਹੀਤ ਯੋਗ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਡਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਡਾਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾ ਪਾਕ 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 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਾ ਪਾਕ ਪਾਕ
सारे गुण टेकिए पवित्र बिली का खासमा है। मैं तुहानू दसिया अज संडे हफ्ते दे पगले दिन पूरा हफ्ते हर काम विच बरकत आने लिए ईमानदारी नाल खुदा दे नाल जुड़े रहना प्रार्थना करन दा वरदान मंगो। यीशु मैंने प्रार्थना करन दा वरदान बाइबल पढ़न दा वरदान हेद माता मरियम दा रोसरी दा मंगीना है रोसरी पढ़न दा वरदान हे प्रभु खुदा स्वर्गीय लश्कर नाल मिलके असि तुहाडा धन्यवाद करते हां। थाडे विच समाई होई थाडे तो उत्पन्न नोर थाडे की प्रद रूप थाडा तत्त प्रगट किते होए रूप देदारी होए कलाम खुदा दा सिवड़ियाई करते हां। उसने थाडे नाल बराबरी नू कईम रखना ने चाहिए संगो अपने आप नू काली करके एक सेवादार रूप धार के इंसानी अकल अमर रूप अते नाजवान जिसन नाल संपूर्ण मनिक बन के अवृतों जन्म लिया है नेम दा दीन देगन माले आने बचाण ली हो कुदत आबियादार होया अते साड़ी न जादी यादगिरी टगराया नदाद बच्चन माली पेद असि थोड़े पवित्र गजेर विच चढ़ाउंदी हां। हे प्रभु खुदा थोड़े प्यारे बेटे दी सिक्ख्या दे मुताबिक उस दे तकवा दी यादगार असि मनाउंदी हां। जिस रात नूं उह सौंपिया गया यीशु ने अपने पवित्र हत्थां विच रोटी लई अते स्वर्ग वल हे पूजनी विदान तुहाडी हजूर वल अखां मुड़ा के बरकत दित्ती उसनों तोड़िया अते अपने चेलियां नूं दित्ते होए आखिया हे गुणां दी माफी लई तुहाडी वास्ते तोड़िया जांदा मेरा बदन है तुसी सारी इस विचों लावो ते काओ। आमीन। हालेलुया 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 यीशु दया करो सारी उच्ची बोलो यीशु मेनु छू लो मेनु चंगाई दो मेनु आशीष दो इस जगह नु पवित्र कर इत्थे आए हुए सारिआं नु इन्हां दी गड्डी नु रोजी सेवा करन वाले सारिआं नु आशीष दो। इसे तरह उसने प्याला लिया अते तेरा धन्यवाद ते वड़ियाई करती हुई बरकत दिती अते उन्हां नु दिते हुए आखिया हे नवा नीम दा मेरा लिखोगे जड़ा बहुत आंदे गुणां दी माफी लई वहाए जांदा है तुसी सारे इस विचों लावो अते पियो। हालेलुया 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 जीसस जीसस जो मैं कीता जदों तुसी मेरे नाम च इकट्ठे हुंदे हो मेरी याद विच करिया करो हालेलुया
सारे नेता जेडे सू बचा है असि थोड़ी वड़ियाई सतकार धन्यवाद से आराना चढ़ाते हूं सदा तो सदा तीक पूरे दिल नाल प्रार्थना करिए शांति सारे नाल होवे तुहाडे सारे अंदरली प्रार्थना तुसी भी अपनी बकू की लोड़ा नहीं यीशु दे हवाले रखते हुए तुसी दिल विच दुआ करो हे प्रभु पूरे कुदरत वाले खुदा आलिंगेर कलीसे दे आगरोम दे साडे संधुआ पाप फ्रांसिस लई अते साडे कलीसे दे अगुवाई करन वाले परम सदिकारियो मार जोर जालिन जेरी दिली अदे साडे धर्म रांध्यागो आर्च विशव कुरियागो जी दे लई अदे साडे विशव साज विशव जोस जी दे लई अदे कुल कातिल कलीसे दे लई अदे सारे पुरोगिदान सिस्टरां खास करके बीएसएन सिस्टरां दे लई जो आज नौजवान लड़कियां सिस्टर बन माली हफ्ते की प्रार्थना विच जा रहे होने सारे पवित्र आत्मा नाल परिपूर होने दे लई इत आए हुए सारे भैन भरावान इन्होंने मकोक लोड़ा पूरा होने दे ईमानदारी नाल यीशु तुहाडे नाल जुड़े रहने दे लई देश नेता ते सारे शांसका दे लई साड़ी इस कुर्बानी कबूल कर हे प्रभु खुदा साड़ी कुर्बानी कबूल कर सारी नबिया रसूला शहीदा ते धन्य लोहान दे सन्मान दे वास्ते अति उन्हें सारे बुरे क्या दे वास्ते जेडे तुहाड़ी पवित्र हजूर विच नेक ते पवित्र जिंदे राए तुहानू घोष कीता है साड़ी इस कुर्बानी कबूल कर प्रभु खुदा साड़ी कुर्बानी कबूल कर दुखे अते परेशान गरीब अते सताए होए बीमार अते गमगीन लोहान दिले अते साड़े विचों तुहाड़े नाम विच मोए होए सारे पैणां भरावां दिले अते तुहाड़ी रेन दी उड़ीक करन वाला आए हुए सारे पैणां भरावां दिले नांदे परिवार दे सारे जीआं दिले जो भी परिवार संगत नूं आज लेके आओ ना सारिआं दिले जो भी आज इसी समां लाई वो देखदा है वो ना सारिआं दिले अते जो भी पैणां भरावां अज लंगर विच ही साले आओ ना सारिआं दिले अते आयोग सेवादारां दिले इस कुर्बानी कबूल कर तुसी सारे खामोशी विच पूरे ध्यान ते इज्जत नाल प्रार्थना करो शांति सारे नाल होवे सारे घुटने ठीक है जिते तकलीफ ते हाथ रख लो पूरा विश्वास नाल प्रार्थना करो जिस जगह विच तकलीफ यीशु उस जगह नू पवित्र आत्मा दी शक्ति नाल छू लो हे प्रभु थाड़े रूपा को उतरावे थाड़े सेवान दे इस कुर्बान विच नवास हो के अति इस नूं पवित्र करे साडे लई गुणां दी माफी सजा तेरी माई मुरदियां दा जीवन दी वड़ी उम्मीद अति तुहाडे नेक लोकां दे नाल सुरग राज विच नवी जिंदगी दा वसीला बने हे प्रभु खुदा साड़ी नजात ले तुहाड़े अति महान तेजी योजना दिले असी लगातार तुहाड़ी वड़ियाई करदे हां तुहाड़े प्यारे मसीह दा बेश किवें दिल गुनाल बचाए हुए कलीसिया विच खुशी अते उम्मीद नाल असी तुहाड़ा धन्यवाद करदे हां तुहाड़ी सज्जी पवित्र ते जीवंदा इनाम दिले असी वड़ियाई सदिकार धन्यवाद ते आराना चढ़ाउंदे हुण सदा तो सदा तीकर आमीन हे प्रभु खुदा अपने आनंद दया दे कर मेरे उठे रंग अपने पाक की पदे मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे हे प्रभु बरकत दे साडे प्रभु खुदा असी अयोग असी बिल्कुल अयोग प्रभु तुसी अपने महान दया दे कर ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤੇ ਲਾਖੀ ਭੇਦ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ
सजीते जीवन दाए रोटी स्वर्ग तो उतरिया ते सारिया नु जीवन देन वालाए जो भी इस विचों गावे ओ मरेगा नी संगों गुड़ांदी मापी हदे न जाद वावे हमेशा तक जीवन दारे हा साढ़े प्रवेश मसीह का बदल खुदा बात प्रेम ते रूबा ते सांझ साढ़े सारे नाल होवे हुण सदा तो सदा तीक साढ़े घर जाइए साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे बेश कीमती बदन अते लहू दे पवित्र पेदा नू आवस पूरी भक्ति भावना दे नाल स्वीकार करिए सच्चे पछतावे धोण वाली उम्मीद नाल अरे गुनाह तो मुड़ के प्रार्थना करते साडे बाप जिहड़ा आसमान ते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिसरा आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते होवे साडे रोज रोटी आज सांदे साडे कसूर सानू माफ कर जिसरा असि अपने कसूरवारा नू माफ करदे हां सानू जमाश जा पा सोबड़े आई तो बचा राज निलाल हमेशा तोड़ा ही है आमीन हे प्रभु पूरे कुदरत वाले आते मेहरबान खुदा साढ़े अधि देवान बाप असि थोड़े रेम दिल गली में नाल दुआ करते हम सानू जमाज तो बचा छे थान ते उदे बंदे हाथ साड़ी राखियर क्यों जो आसमान ते धरती उते हुकमत कुदरत जलाल ते प्रदाई तेरा ही है हुण सदा तोम सदा थी कर शांति तोड़े नाल होवे अति तोड़े रू नाल भी होवे पाग गुरुवानी पाग लोहान दिलिए एक मात्र खुदा बाप पवित्र है एक मात्र बेटा पवित्र है एक मात्र रूप पवित्र है
दुआ पक्ष रक्त लैन तो पहला ऐ मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी दे रूप विच साडे दिलां विच आउण वाला है साडे लई दुआ कर ताकि असीं वी तेरे वांगू सुमनिए अते प्यार करिए ऐ संत यूसुफ जिस रा तू मसीह नूं पालिया असरा सानू इस सेवा करनी सिखा आमीन सानू जीवन दान माला प्रभु यीशु मसीह दी कृपा उसकी मेहरबानी नाल साडे सारियां दे विच मुकम्मल हो जावे सदा तो सदा थी कर आमीन प्रभु ते पैनो पूरे विश्वास नाल खुदा बेटी दे बदन अते उस दे पवित्र लहू नूं स्वीकार करन दी पवित्र कलीसिया तुहानूं सदा दिंदी है यीशु मसीह दा बदन ते लहू तुहानूं आनंद जीवन प्रदान करे आमीन जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है एक बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है एक बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है एक बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है एक बलिदान जिन्हें पापा तो बचाया है जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है जिंदगी दी रोटी मेरा यीशु सोली वाला है एक बलिदान जिने पापा तो बचाया एक बलिदान जिने पापा तो बचाया जोड़ के प्रार्थना करी यीशु मेरा दिल विच आए गए मेरे प्रभु यीशु आज मैनू और भी शक्ति दो मैं बीमारी हालत विच मैनू चलन फिरन दी शक्ति दो यीशु मैं दुखी है आज मेरे उत्ते दया कर हे खुदा मैनू सेवा करन दा वरदान मंगो मेरे घर विचों कोई ना कोई खुदा तुहाडी सेवा के लिए जाना है यीशु आज मेरे उत्ते दया कर मैनू अपनी आत्मा नाल भर दो यीशु रूपक दी कुदरत नाल इस मान पवित्र जीवन दाई अदिलाही पैदा विच सदा रहण लई प्रभु ने सानू योग बनाया आवस इस मान दाता दे बख्शनार खुदा नूं ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ
इस वरदान दे लिए तुहाड़ी भाग तसली दौड़ी आए सदिकार धन्यवाद ते बंदगी लगातार चढ़ावना साढ़ा पर जिए पापत बेटे तेरू बा खुदा दुदा सदा तीक आमीन। ए प्रभु बरकत दे। हे प्रभु यीशु मसीहा सारी मानव जाति दी उम्मीद ताड़ी इस पवित्र महान जीवन दाया ते लाही कुर्बानी देरागी तुसी साढ़े सारे गुणा ते कसूरां दी माफी बख्शा है सुर्ग तो दिते हुए ना इस पूजने दान दिले तुहाड़ी वड़ी आई होवे हे सारियां दी खुदावन सदा तीक आमीन। सारे हाथ जोड़ दो रसूली बरकत वास्ते प्रार्थना करवाओ शीश नवा के अपने आप नू खुदा दे हवाले रखदे होए यीशु तुहानी चंगाई तेरे दिता है पवित्र महान जीवन दाई अते लागी बेजरागी असी साढ़े प्रभु यीशु मसीह दी बंदी अते आराधना करके उसनू मनाया है उसदे राज दे जलाल दे शरीरी होने लई अते उसदे पवित्र परिश्त दे सदीव आनंद मनाउण लई अते उसदे पवित्र हजूरी दा आनंद महसूस करन दे लई स्वर्गीय जरूसलम दे विच उसे सज्जे पासे दा जग दे लई सानू योग बनाया असा सारिया ते सारे संसार उते पाक गातल कलीसिया ते उदे संधान उते इते आए हुए सारे पैणा प्रावा दे उते इना दे बच्चे दे उते जो भी कम इस हफ्ते करना होना सारे कमां दे उते जो भैन भरा यीशु मसीह पाउण दे लई ऑफरिंग भेजदा है उन्हां दे सारिआं दे उत्ते अते उन्हां दी कमाई दे उत्ते खुदा दी बरकत अते उस दी कृपा ते बरकत हमेशा हुंदी रहे हुण सलीब दा निशान बाप अते बेटे ते रूपा सदा तों सदा तीक हे पवित्र करण मालियल थार वंदना सारे प्रभु यीशु मसीह का बल वंदना जो कुर्बानी में तोड़ दो सिगार की तम ओ ना तो माफी अधेश जाते रहे तब सिला पड़े मैं जानता नहीं एक और कुर्बानी चढ़ाऊंगी मैंने मौका